हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले हम मोमेंटम वर्ड को जान लेना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोमेंटम से। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है एम और वो वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि पी इक्वल टू एम इंटू वी। एम ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है हमारा मोमेंटम। तो अब मोमेंटम की ऐसा यूनिट की बात करें तो जैसे कि P इक्वल टू एम वी, यानी कि मास का हमारा ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और वहीं मोमेंटम में डायरेक्शन के साथ साथ हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम होगा। तो अब स्टार्ट करेंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो फिर अब हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। मान लीजिए कोई एक कार ए है और दूसरी कार हमारी बी है। ए कार का मास था एम ए और बी कार का मास था हमारा एम बी। ए कार हमारी यू ए वेलोसिटी से चल रही थी और बी कार हमारी यू बी वेलोसिटी से चल रही थी। हमारे ए कार की वेलोसिटी ज्यादा थी बी कार की मात्रा में। तो कुछ टाइम के बाद हमारी ए कार बी कार से जाकर टकरा गई और टकराने के बाद ए कार की वेलोसिटी हो जाती है वी ए और बी कार की वेलोसिटी हो जाती है हमारी वी बी। जैसा कि ए कार का मास तो एम ए ही रहेगा क्योंकि कार तो वही है, वहीं कार बी का भी मास एम बी रहेगा। तो ए कार का मोमेंटम क्या था स्टार्टिंग में, पी वन इक्वल टू एम ए इंटू यू ए, जैसा कि मास इंटू वेलोसिटी बताया था। तो ए कार का मास था एम ए और बी ए कार का वेलोसिटी उस टाइम पर था यू ए, तो मोमेंटम हो गया एम ए इंटू यू ए। वहीं बी कार का मास क्या था एम बी और वेलोसिटी क्या थी यू बी, तो पी टू हमारी यानी कि मोमेंटम क्या हो गया एम बी इंटू यू बी। वहीं टकराने के बाद ए कार का वेलोसिटी वी ए हो गया था, तो यानी कि अब कार का मोमेंटम क्या हो गया मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि एम ए मास था और वेलोसिटी वी ए हो गई है। वहीं बी कार की मास क्या था एम बी और वेलोसिटी अब कार का क्या हो चुका है वी बी, तो मोमेंटम हो गया एम बी इंटू वी बी। तो जब ए कार हमारी बी कार से टकराई थी तो ए कार ने बी कार पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और वही फोर्स बी कार ने ए कार पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया थी। तो ए कार ने बी कार पर कुछ फोर्स अप्लाई किया था और बी कार ने अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अप्लाई किया। तो जब ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया तो वो फोर्स था एफ ए बी और बी कार ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया वो था एफ बी ए। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स सेम थे तो फिर एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ माइनस क्या क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में बी ने ए पर फोर्स लगाया था इसलिए। तो फिर ए कार के मोमेंटम में जो चेंजमेंट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है वो हमारा हो जाएगा एफ ए बी। वहीं बी कार में जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो हो जाएगा एफ बी ए और वो कितने टाइम में चेंज हुआ है। जो कार हमारी ए थी उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी यू ए थी, उसको जब वो टकराई कार बी से तब उसकी वेलोसिटी वी ए हो गई तो टैप टाइम उसका लगा था टी। वहीं जब बी कार ए से टकराई थी और उसकी वेलोसिटी वी बी हो गई थी तब भी उसको टाइम सेम ही लगा होगा, तब उसका टाइम था टी। तो फिर जैसा कि हमारा फोर्स बराबर क्या होता है एफ इक्वल टू एम ए, तो जब हम एफ ए बी निकालेंगे तो हमारा कार ए का मास क्या था एम ए और जब एक्सीलरेशन हम निकालेंगे वो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारा वेलोसिटी में क्या चेंजमेंट हो रहा है वी ए माइनस यू ए, अब वो कितने टाइम में चेंज हुई हमारी वेलोसिटी टी टाइम में। तो एफ ए बी हमारा क्या बी ए निकालने की तब क्या हो जाएगा एफ बी ए इक्वल टू कार ए का मास हमारा क्या था एम बी और वेलोसिटी में क्या चेंजमेंट हो रहा है हमारा वी बी माइनस और स्टार्टिंग में उसकी क्या थी वेलोसिटी यू बी और वो कितने टाइम में चेंज हो रही है टी टाइम में। तो एफ बी ए क्या निकल आएगा एम बी कोष्टक में वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। तो फिर अब हम एफ ए बी की जगह वैल्यू रखेंगे एफ ए बी की और एफ बी ए की जगह वैल्यू रखेंगे एफ बी ए की। तो फिर बस अंतर क्या रखेंगे, जैसे कि ये माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख लिए हैं। अब हमने स्टार्ट किया अपना कैलकुलेशन, एम ए का हमने वी यू में मल्टीप्लाई किया, एम ए का हमने यू ए में मल्टीप्लाई किया, वहीं हमने टी का टी रखा रख दिया, फिर हमने एम बी का वी बी में मल्टीप्लाई किया तो हमारा माइनस साइन साथ में आया और इस माइनस साइन ने इस माइनस साइन को प्लस कर दिया और एम बी इंटू यू बी हो गया अपॉन टाइम टू टी का टी रहा। तो अब हमने कैलकुलेशन में टी से टी को काट दिया तो अब हम और इस एम ए यू ए को हम ले गए उस साइड में और इस एम बी वी बी को ले गए हम इस साइड में। तो मैं टी से टी को काट दिया था
और एम ए यूवी को हम ले आए थे तो उस साइड, और एम बी वी बी को ले आए थे हम इस साइड। तो हमारा एम बी वी बी हो गया पॉजिटिव और एम ए यूवी हो गया हमारा पॉजिटिव। तो फिर इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारा एम ए बी ए क्या है, टकराने के बाद कार ए का मोमेंटम, और एम बी वी बी क्या है, कार बी का टकराने के बाद मोमेंटम। एम ए यू ए क्या है, कार ए का टकराने से पहले मोमेंटम, और एम बी वी बी क्या है, कार बी का टकराने से पहले मोमेंटम। तो यानी कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम हमारा रहता है सेम। जैसे कि कार ए के टकराने के बाद का मोमेंटम जे है हमारा, और टकराने से पहले का मोमेंटम हमारा ये, तो दोनों रहता है सेम। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि दो ऑब्जेक्ट टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम हमारा रहता है इक्वल। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराए नहीं थे उनका टोटल मोमेंटम, और जब वो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद उनका टोटल मोमेंटम जो भी होगा वो हमारा इक्वल होता है। तो यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यही हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो ऑब्जेक्ट टकराने से पहले का मोमेंटम टोटल और टोटल टकराने के बाद का मोमेंटम होता रहता है हमेशा इक्वल। तो इसी के साथ हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डेराइव भी कर लिया है, साथ में हमें पता भी चल गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।